नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। जोर जबरदस्ती का विरोध करने पर 5 को किया घायल। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र के अम्वा गांव में 17 वर्षीय लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में लड़की के पिता ने पिपरा थाने में एक आवेदन भी दिया है, जिसमें मदन कुमार, निरंजन सहनी, राजाराम सहनी, गयाराम सहनी, मनोज सहनी, मंजूलाल सहनी, श्यामलाल सहनी, धुरेंद्र सहनी सहित कुल 14 लोगों को आरोपित किया गया है। घटना के संबंध में आवेदन में बताया गया है कि रविवार की देर शाम मदन कुमार तथा निरंजन सहनी आवेदक की 17 वर्षीय पुत्री को गलत इरादे से घर के बगल सुनसान में ले जा रहे थे। शोर मचाने पर पहुंचे लड़की के परिजनों की भी जमकर पिटाई की गई। मौके पर लूटपाट करने का आरोप भी लगाया गया है। इस घटना में सुधन सहनी, गुलटेन सहनी, रंजीत कुमार, भुलन सहनी तथा रूमा देवी को गंभीर मोटे आए हैं। सभी घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल चकिया में किया गया है। घटना के बाद भय का माहौल है। पीड़िता के परिजनों को डर है कि आरोपी फिर से हमला कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस से अपने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका घर वाला आया तो बोल रहा है मेरे घर वाले को मार रहा है और उसके घर वाला हम लोगों को मारने लगा। क्या नाम है? रीति कुमारी। क्या? रीति कुमारी। पिताजी का नाम? श्री भुलन सोनी। कैसे कैसे क्या घटना हुआ? मेरे घर पे कोई नहीं था। पापा जी सड़क पे गए हुए थे, मेरा बड़ा भाई सड़क पे गया हुआ था, मम्मी मामा के यहाँ गई थी, कोई नहीं था घर पे। आए 3 आदमी से, उसके बाद में उठा करके ले गए लोग। कौन ले गया उठा करके? मदन कुमार, निरंजन कुमार, सुनी कुमार। अच्छा। घर में बंद कर दिया लोग, मुंह बंद कर दिया। मदन कुमार के पिता क्या नाम है? राजाराम सोनी। और निरंजन कुमार? राम सोनी। एक और जो है सोनू कुमार, उसके राम सोनी। हाँ, फिर क्या हुआ? जब मेरा भाई छोटा गया तो साइकिल लगाने, तो चिल्लाए हम, गेट ढबढबाए, तो नीरज गया मेरा भाई, तो ऊपर मुँह करो बोलो। मेरा भाई गया चिल्लाए, तो मेरे फैमिली के सब लोग गए, तो इन लोगों ने पीट करके घायल कर दिया लोग। किसको घायल कर दिए? मेरे पीरू फैमिली को। अच्छा।